A very cold morning from the Chopta Valley, Uttarakhand. Hello, Namaste, Sat Sri Akal. My name is Karan and you are watching the Kapuru Vlogs. Welcome back to my YouTube channel. This is day 3 and today we are going to start our Tungnath trek. सुबह 5 बजे हम लोग उठ रहे थे, एकदम अंधेरा था. इट्स लाइक 6-7 द मॉर्निंग. हम 5 बजे उठे थे. बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ. पानी वानी भी टंकी में जम गया था, बट अब उजाला हो चुका है, सनराइज भी हो चुका है. जो माउंटेन्स हमारे पीछे उधर, अभी हम लोगों ने उसकी फ़ोटो खींची है DSLR से. काफ़ी सही फोटोज आ रही हैं बिकॉज सनलाइट पड़ रही एकदम टॉप पर. वहाँ स्नो है एंड वी आर गोइंग इनटू द स्नो इन सम फ्यू मिनट्स. सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस वन. And the journey begins. Jai Sri Ram. The Tungnath Temple is at 3,680 meters above the sea level and ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है. And finally इतनी लंबी जर्नी के बाद पहली स्नो दिखना चालू हो गई है. नीचे है एंड लेट्स सी आगे कितनी मिलती है. वी हैव जस्ट स्टार्टेड द ट्रैक एंड अभी से सबकी हालत खराब है. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. According to the Hindu mythology, this temple was constructed by Pandavas and ये लगभग 5000 साल पुराना है. This place is literally so good, so beautiful. यहाँ चीजें easily accessible नहीं है, so please अगर आप आ रहे हैं, do not litter these places like this. यार एक bag ले चलो, कुछ भी ले चलो and वहाँ फेंक देना. Like रास्ते में अभी just trek start किया है and अभी से कूड़ा दिख रहा है, so it's really very bad. Don't do this if you are coming. The distance which we have to cover on Tungnath trek is around 3.5 kilometers. But क्योंकि यहाँ पे winters में बहुत ज़्यादा snowfall होती है and difficulty level थोड़ा सा बढ़ जाता है as compared to summer season, इसीलिए इस trek को beginner to moderate level में रखा गया है. But जो scenic views यहाँ से मिलते हैं Himalayan ranges के, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं. इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू टू गिव दिस ट्रैक अ शॉट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रैक इन उत्तराखंड. रास्ते में थोड़ी बहुत बर्फ हम लोगों को मिल रही है, बट अभी इट्स नॉर्मल बिकॉज मतलब चलने में आसानी हो रही है क्योंकि यहाँ बर्फ नहीं, और वो अच्छी बात है. ऊपर ही बर्फ मिले तो बहुत बेटर है. जो प्लेन है ना, उसमें चलने में थोड़ी आसानी होती है. थोड़ी खड़ी टाइप की चढ़ाई है, बट सही है. अभी इतना ज्यादा एग्जॉशन नहीं हुआ है, सही चल रहा है. I will keep you updated. Keep on watching this one. And right now we have reached a spot जहाँ से काफी breathtaking views आ रहे हैं. ये तो पीछे का है, सामने का दिखा. जब आप तुंगनाथ ट्रैक पे होंगे तब आपको बहुत सारी खूबसूरत पीक्स दिखाई देंगे, जैसे कि चौखंबा, नंदा देवी, केदारनाथ. बट जब हम लोग चंद्रशिला चढ़ेंगे ना, जो कि तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है, वहां से हमको ये सारी पीक्स और भी ज्यादा क्लियरली दिखाई देंगी. पता है मुझे इसमें एक पैर डाल के देखते हो समझ में आ जाएगा. We have not even climbed just even 1 kilometer and the views have changed all of a sudden. You can see this behind me, but I want to tell you all the details of this trek, show you all the views, tell you everything which you will need. So keep on watching and the exhaustion has started a bit. देखो बहुत सारे लोग थे हम लोग के साथ. हम 4-5 आ गए हैं, बाकी सब भी वहाँ पे हैं, वहाँ नीचे. एंड वी हैव क्लाइम्ड अ लॉन्ग वे नाउ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी. सुबह में 5 बजे उठा था सबसे पहले. उस समय ठंड तो अपने पीक पे थी, हाथ भी नहीं धो पा रहे थे. बट दिस टाइम व्हेन वी आर क्लाइंबिंग द माउंटेन,
मतलब ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी वैसी, मतलब आप जितनी लेयरिंग कर सकते हो कर लो, बट ऐसी करना क्या उसको उतार कर रख सकते हो रख सको। यू आर सीइंग दिस व्यूज, इसीलिए इसको बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एंड इट्स रियली वर्थ इट। व्यूज देखिए आप, व्यूज These are the breathtaking views of the Tungnath Trek. हम लोग ने लॉन्ग रूट नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ थी। एक रास्ता हम लोग को दिखा हुआ मिट्टी थी तो हम लोग ने वहाँ से रखा, वहाँ से चला और हमारा एक काज बने हुए थे उस टाइप के पैरों के निशान, तो एडवाइजेबल है कि आप वहाँ से चलो कि जो बर्फ इस टाइम ये पूरी जमी हुई है, ये छोटा सा टुकड़ा है बट बाकी जमी हुई है, ऊपर हम लोग को मिलेगी बर्फ जो कि जमी नहीं होगी। And these are the views right now. Coffee amazing. Yo. हम लोग ने वहां से स्टार्ट किया था जो शायद इसमें एक्सपोजर की प्रॉब्लम है, बट वहां से स्टार्ट किया था एंड वी आर हियर, वी आर बिगिनर्स, इफ वी कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। अरे हाँ, वो वहां से आए थे हम लोग जहाँ आपको छोटे छोटे हट दिख रहे हैं एंड हम लोग का सबका पहला ट्रैक है। आज भाई देख लो तुम भी, भाई की हालत खस्ता है लेकिन भाई हार नहीं मान रहे, चल रहे हम लोग। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड एंजॉय दिस व्यूज, दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट। अभी तो तुंगनाथ पहुंचना है, अगर मुझ जैसा आलसी था चला था भाई कोई भी चला। ये भाई बिस्तर से नहीं निकलने वाला बंदा है दिन भर, और अब देखो भाई साहब एक के पीछे एक रहेगा ना बेस्ट रहेगा। आओ तुम आ गए हो, तुम तो पहले ही आ गए हो, इसको सबसे आगे अपने पीछे कर लो। मई जून के समय में यहाँ पे शॉप्स खुली रहती हैं बट इस टाइम क्लोज्ड हैं एंड आपको जहाँ भी मौका मिलता है ऐसे एरियाज में चलने का, यहीं भी चलिए मिट्टी में, डोंट गो ऑन द स्नो बिकॉज जब बर्फ जमी होती है वो बहुत स्लिपरी होती है एंड नीचे से डंडा लेके जरूर आइएगा। एंड नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहां से हम लोग को धूप नजर आ रही है और वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। द व्यूज आर लिटरली डैम अमेजिंग। एंड फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू तुंगनाथ पीक, तुंगनाथ मंदिर, एंड जो सीनिक व्यूज चेंज हो रहे हैं मूवमेंट पे कुछ थोड़े से गैप में, दे आर वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ द प्राइस, वर्थ द वेट, वर्थ एवरीथिंग। थोड़ी स्लिपरी ज्यादा है, इस पे गिरने के चांसेस रहते हैं। बात बताइए सच्ची वजह से, मुझे ना उतर लेंगे तुम्हें, उतार देंगे ना हम, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम चढ़ो तो पहले, तुम इधर से उतर लेंगे यार, क्या जाना है नीचे तो जाना है, यहाँ से चल लेंगे। तुम ना टांगो भाई, हम ही टांग मेरे बैग। मजे आगे भैया के साथ यार ट्रैक करके, मजे आने चाहिए यार। Now we are very close to the Tungnath Temple. अभी जो हम लोग ने हर्डल पार किया है, this was the most difficult of this trek अभी तक जो आया है, इसके आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता। That was the reason कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने ट्राइपॉड रख दिया, मैं हैंडल शूट कर रहा हूँ, but the views are literally surreal.
तू जन्नत है भाई जन्नत, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. लीव द रोड एंड टेक द ट्रेल्स एंड यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ नेचर. दिस इज द स्पॉट दैट वी हैव रीच्ड. अब इसके आगे मंदिर है सीधा जाके, एंड अब यहाँ पे लाइक अभी तो नॉर्मल ट्रेल्स हैं, इसके बाद जैसा व्यू होगा मैं आपको दिखाऊंगा. बट द व्यू विच आई एम गोइंग टू शो यू इन 3, 2, 1. This is the point which you will reach after some time after crossing these hurdles, these things, these steep mountains which are covered with snow. काफी amazing views, काफी literally in love with them. आपको पता है कूड़ा ना फेंको तो कम से कम ये भी ना करो. जैसे आपने देखा इंडिया के सारे फोर्ट में सब कुछ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा है. इतनी अच्छी जगह पे जहाँ ऐसी scenic beauty है नेचर की, वह ऐसे काम ना करिए. क्या व्यूज, ओ भाई वहां तक लोगों ने बना रखे हैं ये पत्थर, वहां तक बनाए छोटे छोटे. This is the first view of Tungna temple and after all these struggles we are finally here. Meri awaaz thodi baith gayi hai, mausam mein oxygen thodi kam hai, thoda half raha hu, but the view is exceptional. Mere do saathi bhi aa rahe hain piche. Hello, finally we are so near the Tungna temple. जब मंदिर पहली बार दिखता है ना इतनी खुशी आती है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. इट्स वर्थ. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ना ही बर्फ है. अरे आ जाओ आराम से, अबे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आ जाओ. हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, सुनो कभी भी चढ़ने के लिए ना अच्छा से आगे झुको और बस पैर दबा के चल दो. दीस आर द शॉप्स विच आर क्लोज राइट नाउ बिकॉज इस टाइम बहुत कम ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ पे, और उससे तो शॉप चलने से रही. इससे बढ़िया लोग नीचे काम लगा देते हैं इस टाइम. और पीक सीजन जो होता है लाइक मई जून वाला, तो ये पूरी वैली फ्लावर्स एकदम ब्लूम करती है एंड तभी सब दुकानें खुलती हैं. इस टाइम आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी आपको लाना है आप नीचे से लेके आइएगा. And finally, we have reached the highest Shiva temple of the world, Tungnath Mahadev. And the views definitely tell this why it is. These views are my next level. Matlab, I can't put in my words. I literally can't. If you are watching it, if you have watched it till here, इसके आगे बहुत बढ़िया होने वाला है. मतलब ये मंदिर में मैं गया नहीं, वो मैं इधर से मंदिर में जाऊंगा. आगे काफी सारे भगवान जी के मंदिर हैं, वो तुंगनाथ महादेव का मंदिर है. अभी कपाट बंद है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, स्नो बहुत है, इसलिए इनकी पूजा नीचे होती है समवेयर इन उखीमठ. शायद केदारनाथ की पूजा उखीमठ में होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन. मैं लिख दूंगा यहाँ पे फॉर श्योर. एंड दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल. So these.
अब आप इतनी दूर से तुंगना टेम्पल आए हो इतनी चढ़ाई करके, तो इसके बारे में थोड़े बहुत फैक्ट जान लेते हैं कि तुंगनाथ मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है। This is the highest Shiva temple of the world. तुंगनाथ मंदिर को पंच केदार में से तीसरे केदार का स्थान दिया गया है और यह टेम्पल लगभग 5000 साल पुराना है जो कि पांडवों ने बनवाया था। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत पांडवों ने अपने ही कजिन भाइयों को मार दिया था और उन्होंने ये काफ़ी गलत काम किया था, इसलिए जो व्यास ऋषि थे उन्होंने पांडवों को ये सुझाव दिया था, ये एडवाइस दी थी कि क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है अपने ही भाइयों को मार के, तो इसकी क्षमा सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते थे। बट क्योंकि शिव जी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे पांडवों से, तो वो उनको क्षमा करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पांडवों से बचने के लिए गुप्त काशी में जाके कहीं गुप्त हो गए। बट फिर भी पांडव उनको कुछ ना कुछ करके हर बार ढूंढ ही ले रहे थे। इसके बाद शिव जी ने अपने शरीर को एक विशालकाय बैल का रूप दिया, लेकिन पांडव ने शिव को पहचान कर स्पर्श करने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव जी ने अपने शरीर को 5 भागों में बांट दिया, जिससे हम आज पंच केदार के रूप में जानते हैं, जिसमें से तृतीय केदार तुंगनाथ के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और बाहु का भाग है। तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है चंद्रशिला पीक और वहाँ की मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम ने रामायण में रावण का वध करने के बाद वहाँ पे मेडिटेशन करी थी। It feels like I am at the top of the world right now. I am at top of the highest Shiva temple in this world. And this is in Uttarakhand, Chopta. इसकी मैं itinerary भी बनाऊंगा, आपको सब डिटेल्स मिलेगी। बट फॉर इंस्टेंस अगर आपको यहाँ आना है तो आप ऋषिकेश आइए, वहाँ से उखीमठ आइए। उखीमठ आने के लिए पहले आपको कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा, उसके बाद आप उखीमठ पहुंचोगे, उखीमठ के बाद आप चोपटा पहुंचोगे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारी उखीमठ कहीं ना रुको, सीधा चोपटा आओ, शाम तक आओ, दोपहर तक आओ, डजेंट मैटर, बट स्टार्ट योर ट्रैक फ्रॉम अ फ्रेश डे एट अराउंड 6 to 8 AM इन द मॉर्निंग। हम लोग को बहुत कम टाइम लगा ट्रैक करने में एंड इट्स अराउंड 10 और हम लोग ने 7:30-8 तक स्टार्ट किया था, अभी 10:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो समझेंगे, वी आर नूब्स इन दिस फील्ड, लाइक ये आर रियली, दिस इज माई फर्स्ट ट्रैक और मेरे दोस्तों की फर्स्ट ट्रैक है। जो मेरे साथ एक भैया थे उनकी ट्रैक फर्स्ट नहीं है, वो बहुत ट्रैक करते हैं, तो उन्होंने हमको थोड़ा गाइड किया एंड वी आर विथ हिम एंड उनकी वजह से हम लोग काफ़ी अच्छे से पहुँच गए यहाँ पे। वी आर नाउ प्लानिंग टू गो थ्रू द चंद्रशिला पीक। Let's see, we are going to make it or not. Stay tuned, keep on watching this video, keep on watching my other vlogs, stay tuned, subscribe to my channel, share only if you feel it's worth it, because I feel my content is worth every share, every like, every comment, every subscription, because I'm consistent, I'm showing the best of India, and I will show the best of India. So you can consider subscribing and मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत जल्द।
तो भैया का वीडियो हम लोगों ने बहुत बार देखा है तो एक्सीलेंट ब्लॉगर, तो इनका ब्लॉग देख के बहुत हेल्प मिलता है, तो इनका लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हम लोगों ने कर रखा है पहले ही, ये ऐसा ब्लॉग बनाते आज हम लोग इनको मिल गए, बहुत दिन से सोच रहे थे इनसे मिलने का। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू नाइस टू मीट यू।